Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie Green Lantern. Ye movie meri series, ODEX, yani ki On Demand Explanation ki teesri movie hai. I hope ki iski first movie Avatar aur is series ki second movie yani ki Joker aapne dekhi hogi aur usse kaafi enjoy bhi kiya hoga kyunki aap sabhi ke diye hue comments ko aur saath hi aap sabhi ke support ko maine dekha aur saath hi un sabhi ka reply karne ki bhi koshish ki. Magar seriously guys, aapke itne sare pyar aur comments ko dekhkar mujhe aisa lagta hai ki 1 lakh की फैमिली को 1 मिलियन की फैमिली में होने में काफी कम समय लगने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ. अरबों साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड में अमर जीवों का राज था. अमर जीव जो कि किसी भी शक्ति को अपना बना सकते थे. ऐसी 9 शक्तियां थी जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती थी, जिनमें से 2 शक्तियों का इस मूवी के अंदर जिक्र किया गया है, जिनमें से एक है मनोबल यानी कि विल और दूसरी शक्ति है डर यानी कि फियर. अमर जीवों ने दोनों ही शक्ति को अपने पास में काबू करने का सोचा, मगर वो जानते थे कि डर किसी भी वक्त हम पर हावी हो सकता है. इसी वजह से उन्होंने मनोबल की शक्ति को चुना और उस पर पूरा कमांड किया और वहीं दूसरी ओर डर की जो शक्ति थी उसे अपने सबसे काबिल योद्धा जिसका नाम है अभिनसुर उसके साथ में उसे एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जिसके बाद में उसको कोई भी ढूंढ नहीं पाया. उस ग्रह का नाम होता है राइट ग्रह. अमर जीवों ने ये डिसाइड किया कि ये मनोबल की शक्ति काफी ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने इस शक्ति को 3600 भागों में बांट दिया. ये 3600 भाग बेसिकली 3600 ग्रह होते हैं, जहां पर उनमें से एक जने को चुना जाता है जिसके अंदर निडरता हो, जिसके अंदर मनोबल की शक्ति हो, जो काफी ज्यादा मनोबल रखता हो, उसी को हमेशा मनोबल की शक्ति चुना करती थी. और इसी के साथ एक टीम तैयार होती है जिसमें 3600 सिपाही होते हैं जो कि हमारी ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, इसीलिए इनका नाम रखा गया था ग्रीन लैंटर्न्स. यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1983 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक छोटा लड़का जिसका नाम होता है हेल जॉर्डन. उसके पिता का नाम होता है मार्टिन जॉर्डन जो कि बेसिकली एक पायलट होते हैं. और एक वो दिन आता है जब एयरफोर्स के पास में उनका लेटेस्ट हवाई जहाज सुखोई जिसका नाम होता है मार्क 3, उसे उड़ाने के लिए मार्टिन जॉर्डन को चुना जाता है. तो उनका बेटा हेल जॉर्डन भी उनकी इस उड़ान को देखने के लिए एयरफोर्स बेस पर पहुंच जाता है. तब वहां पर मार्टिन अपने बेटे को अपना जैकेट देते हैं और कहते हैं कि इस जैकेट का हमेशा ख्याल रखना, ये मेरा फेवरेट जैकेट है. और इसके बाद में मार्टिन तैयार हो जाते हैं मार्क 3 की सवारी के लिए. देखते ही देखते वो उड़ना चालू कर देते हैं और सभी को थम्स अप देते हैं कि सब कुछ ठीक है. मगर उसी मूवमेंट पर उसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो प्लेन बिल्कुल बेकाबू होकर जमीन पर क्रैश होने लगता है. मार्टिन उस प्लेन को संभालने की काफी कोशिश करते हैं और वो धीरे से कैसे भी करके उसको जमीन पर तो ले आते हैं और फाइनली वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं. हेल उन्हें देखकर उनके पास में भागता हुआ आता है और जैसे ही मार्टिन उस प्लेन से निकलने लगते हैं, मगर तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के अंदर उनकी जान चली जाती है. इस हादसे से हेल आज तक कभी उभर नहीं पाया और इसी वजह से अब हेल भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो भी अब अपने पिता की तरह एक अच्छा पायलट बनेगा. इसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हेल एक बहुत ही अच्छा पायलट बन चुका होता है. उनकी पूरी टीम के पास में US गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारे पास में 2 ऑटोमेटिक हवाई जहाज हैं, इनको बिना इंसान के द्वारा उड़ाया जा सकता है और किसी भी जंग में इनका इस्तेमाल करके उस जंग को जीता जा सकता है. मगर हेल उनके खिलाफ था, वो ये कहता है कि कोई भी हवाई जहाज बिना किसी पायलट के पूरा हो ही नहीं सकता, हमेशा जो इंसान हवाई जहाज उड़ाएगा हमेशा उसी के अंदर पावर रहेगी, आपके इन रोबोटिक हवाई जहाज को मैं हरा सकता हूँ. और तभी उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर 2 रोबोटिक हवाई जहाज और 2 इंसानों यानी कि पायलट वाले हवाई जहाजों के बीच में टक्कर होती है. मगर हेल जॉर्डन इतना शानदार और इतना होनहार पायलट होता है कि वो अपनी इस ताकत के साथ में उन दोनों रोबोटिक हवाई जहाजों को पीछे छोड़ देता है. मगर वो भी कुछ कम नहीं थे, वो उसका पीछा करने लगते हैं. तब वहां पर उनके ऑफिसर कहते हैं कि इस प्रोग्राम को यहीं बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम अब हालात से बाहर जा रहा है. लेकिन तभी वहां पर हेल कहता है कि आपने इंसान पर शर्त लगाई है और रोबोट से ये इंसान शर्त जीत कर ही रहेगा. और तभी हेल आसमानों की ऊंचाई में चला जाता है, इसी वजह से वो दोनों रोबोटिक जेट भी उसका पीछा करते हुए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं. मगर तभी हमें पता चलता है कि आसमान की ऊंचाइयों में ठंड काफी ज्यादा होती है और कंप्रेशन भी काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से वो दोनों वहीं पर फेल हो जाते हैं. और इसी बात का मौका पाकर हेल जॉर्डन उन दोनों रोबोटिक जेट को वहीं आसमान में तबाह कर देता है.
हालांकि इस वजह से उसका प्लेन भी काफी बेकाबू स्थिति में हो जाता है। वो उसे काबू करने की कोशिश करता है। उसके प्लेन के अंदर उसके पिता की एक तस्वीर भी होती है। जब हेल अपने पिता की वो तस्वीर देखता है तो वो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। उसे वो बातें याद आने लगती है जब उसके पिता भी कभी पायलट हुआ करते थे, वो भी Mark 3 को उड़ाने के लिए आगे बढ़े थे। इन्हीं सब बातों से उसका फोकस उस प्लेन से हट जाता है और वो प्लेन बहुत ही ज्यादा बेकाबू स्थिति में हो जाता है। इसीलिए फाइनली वो कॉकपिट से बाहर निकल जाता है और वो महंगा F-35 प्लेन वहीं जमीन पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद में सभी उच्च अधिकारी हेल से बातें करने लगते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इतना महंगा प्लेन क्रैश कैसे होने दिया, और साथ ही वो जो दोनों रोबोटिक जेट थे उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए था मगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया? तब वहां पर हेल कहता है कि अगर आपने उन दोनों जेट्स को काफी अच्छे तरीके से बनाया होता, उस पर मेहनत करी होती, तो आज वो दोनों नष्ट ना हुए थे। इससे ये तो साबित हो जाता है कि आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई वो इंसान से तो नहीं जीत सकती। मगर वहां पर मौजूद होती है उन उच्च अधिकारियों की बेटी जिसका नाम होता है कैरल। बेसिकली कैरल बचपन से ही हेल की फ्रेंड हुआ करती थी और वो नहीं चाहती थी कि हेल को जॉब से निकाल दिया जाए। इसीलिए वो उसे कहती है कि आपको सस्पेंड किया जाता है जब तक इस हवाई जहाज की खोज के नतीजे हमारे सामने नहीं आते। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे प्लेन में क्या खराबी हुई थी जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गया, वो क्रैश हो गया। इस बात से कुछ 2 हफ्तों के लिए हेल को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का जिसका नाम होता है पैरेलैक्स, जिसे कि राइट ग्रह पर कैद कर दिया गया होता है। एक दिन कुछ ग्रीन लैंटर्न्स एक ग्रह के सामने से निकल रहे होते हैं मगर उनका प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाता है और तब वो अपनी दुनिया यानी कि अपने ओवा ग्रह पर इस बात की जानकारी देते हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर फंस गए हैं जो ना तो हमने कभी पहले देखा था और ना ही कभी पहले हम यहाँ पर आए थे। मगर बातों ही बातों में जब वो आगे चलने लगते हैं तो उनके सामने एक गड्ढा आ जाता है और वो तीनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं और वहीं उन्हें दिखाई देता है पैरेलैक्स जो कि ग्रीन कलर की रोशनी में कैद होता है। मगर जब पैरेलैक्स उन तीनों को अपने सामने देखता है तो वो उन पर हावी होने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर डर की शक्ति होती है। उसे अपने सामने देखकर वो तीनों ग्रीन लैंटर्न्स डरने लगते हैं और इसी बात का मौका पाकर पैरेलैक्स उन तीनों की शक्तियों को खींच लेता है और उन तीनों की शक्तियों को पाकर वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और अपनी कैद से आज़ाद हो जाता है। और वो सबसे पहले डिसाइड करता है अभिन सुर को मारने का क्योंकि अभिन सुर ने ही उसे यहाँ पर कैद किया था। वो उसे मारने के लिए उसके सेक्टर 2814 में जाता है जहाँ पर वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है मगर अभिन सुर काफ़ी ज़्यादा चालाक और तेज़ होता है। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और अपने स्पेस शटल से बाहर निकलकर एक छोटे से स्पेस जेट के साथ में वहाँ से भागने लगता है मगर तब तक वहां पर पैरेलैक्स ने उसके ऊपर सीने पर एक शूट कर दिया था। अभिन सुर अपने ग्रह ओवा पर कांटेक्ट करता है, उन्हें बताता है कि मुझ पर पैरेलैक्स का हमला हुआ है और मैं काफी ज्यादा घायल भी हो चुका हूँ, मुझे पास ही के किसी ग्रह पर उतरना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। अब इस ग्रीन लैंटर्न की शक्ति को किसी और को चुनना पड़ेगा और हो सकता है कि वो कोई मानव हो। और तभी उसका स्पेस जेट धरती पर आकर क्रैश हो जाता है और तब वहां पर अभिन सुर अपनी उस अंगूठी से कहता है कि जाओ किसी एक ऐसे इंसान को चुनो जो होनहार हो, जिसके अंदर मनोबल की शक्ति हो, जो कि इस अंगूठी की शक्ति को संभाल पाए क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और तभी मनोबल की शक्ति अंगूठी से निकलकर एक ऐसे इंसान की तलाश में पहुंच जाती है जिसका मनोबल काफी ज्यादा अच्छा होता है। वहीं दूसरी ओर हेल अपने परिवार के पास जाता है जिसके अंदर उसके 3 भाई भी होते हैं और वो जब बैठकर अपने भाइयों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पर आया होता है तभी मनोबल की शक्ति खिड़की से आकर उसके शरीर में घुस जाती है। इस बात का उस टाइम तो हेल को पता नहीं चलता, इसी बात से वो गिफ्ट देकर उस घर से निकल जाता है मगर तभी उसके 3 दुश्मन रात को उस पर हमला कर देते हैं, उसे बहुत मारते हैं, उसे बहुत पीटते हैं। मगर तभी वहां पर जब हेल उनका सामना करने के लिए उन पर कुछ फेंक के मारने लगता है तभी एक बड़ा सा हरा मुक्का उन तीनों पर पड़ता है और तभी वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हुआ और वो इस बारे में सोच ही रहा होता है मगर तभी वो ग्रीन शक्ति यानी कि मनोबल की पावर जो होती है वो उसे सीधा खींच कर लेकर जाती है अभिन सुर के पास में क्योंकि अभिन सुर ने उससे बुलाया होता है। और जब वो देखता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ हुआ है तो वो जाकर उस पायलट की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचता है और वो देखता है कि एक इंसान जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका है वो उसे प्लेन से बाहर निकालता है और उसे कहता है कि प्लीज आप शांत रहिए, धैर्य रखिए, मैं अभी किसी की मदद को यहाँ पर बुलाकर लेकर आता हूँ। मगर तब अभिन सुर कहता है कि नहीं, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी शक्तियाँ तुम ले लो। इस अंगूठी के अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें इस ब्रह्मांड का रक्षक बनाएगी। इस अंगूठी को लालटेन के सामने रखना और शपथ लेना, तभी ये शक्तियां तुम्हारे अंदर आएगी और तुम्हारा साथ देगी। हेल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर तब तक काफी देर हो जाती है, उसकी जान वहीं पर चली जाती है। तो वो अपने फ्रेंड थॉमस को कॉल लगाता है और इसे बताता है कि यहाँ पर किसी पायलट का प्लेन क्रैश हुआ है, ये अपने यूनिफॉर्म था, हो सकता है कि ये कोई पायलट हो, तुम जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और तभी थॉमस
कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है। तब वहां पर हेल बताता है कि इसने मुझे एक अंगूठी दी और साथ ही एक लालटेन भी, और ये मुझे कुछ दुनिया का ब्रह्मांड का रक्षक कह रहा था। हालांकि मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आई, मगर हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। उन दोनों की ये बातें चली रही होती है, लेकिन तभी वहां पर यूएस गवर्नमेंट की कुछ पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। उन्हें इस बात का पता लग गया होता है कि कई दूसरी ग्रह का विमान हमारी इस दुनिया में आया है, और इस सिचुएशन को समझकर हेल और साथी थॉमस अपनी कार में वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। जब यूएस मिलिट्री को उसकी बॉडी मिलती है, यानी कि एबिंसुर की, तो वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर ये एलियन कौन सी दुनिया से आया है। इसी वजह से वो एक प्रोफेसर को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इसकी बॉडी पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप कोशिका विभाग के सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में हमें बताएं कि आखिर ये कौन सी दुनिया से आया है, इसके अंदर क्या ताकतें थी और यहाँ पर आने का इसका रीजन क्या था। उस प्रोफेसर का नाम होता है हेक्टर, और जब वो उस डेड बॉडी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, उसका पोस्टमार्टम शुरू करता है, तो उसके सीने पर जो घाव लगा था, जो कि पैरेलेक्स ने मारा था, जब वो उस घाव को चेक करने लगता है तो उसके अंदर पैरेलेक्स का कुछ अंश होता है जो कि उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, और हेक्टर को इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद में वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके उनकी बॉडी को अमेंडा वॉलर, जो कि उस पूरे अभियान की हेड होती है, उसे संभला कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हेल अपने घर पर उस लालटेन और अंगूठी के साथ में आता है, तो वो उन बातों को याद करने लगता है जो कि अभिनसुर ने उससे कही थी। वो लालटेन को अपने सामने रखता है, अंगूठी को पहनता है और अपने आप के अंदर उन सभी शक्तियों को शामिल करने के लिए शपथ लेता है, मगर कुछ भी नहीं होता। वो काफी बार ट्राई करता है लेकिन थक जाता है। तभी वो गुस्से में आकर कहता है कि आखिर मीलों दूर तक आकर आपने करोड़ों इंसानों में से सिर्फ मुझे चुना, सिर्फ यूं ही बंद पड़े रहने के लिए। मगर तभी लालटेन की शक्तियां जाग जाती है और उसकी आंखों में भी एक चमक आ जाती है, और वो हिप्नोटाइज होकर बोलने लगता है, मुझ में सूरज की चमक है, अच्छाई का मैं रक्षक हूँ, बुराई का मैं भक्षक हूँ, ये ज्वाला मिट नहीं सकती, मुझ में है ग्रीन लैंटर्न की शक्ति। और तभी उसके अंदर ग्रीन लैंटर्न की सारी पावर्स आ जाती है, और जैसे उसके अंदर ग्रीन लैंटर्न की पूरी पावर्स आती है, तो वो इंडिकेट कर देती है ओवन ग्रह पर। और जैसे ही ओवन ग्रह के लोगों को पता चलता है कि अभिनसोर ने अपना एक नया उत्तरदायित्व चुन लिया है, तो वो उसे अपने ग्रह पर लाते हैं। इसी वजह से हेल उड़ता उड़ता सीधा अपनी दुनिया से अंतरिक्ष की ओर निकलता हुआ उनकी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि हेल की बॉडी के ऊपर काफी सारे एनालिटिक्स होने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है, और आखिर ये सोचने की कोशिश की जाती है कि अभिनसुर ने आखिरकार उसे क्यों चुना। जब थोड़ी देर के बाद में हेल को होश आता है, तो वो अपने आप को बिल्कुल हरे सूट में पाता है। उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है, वो अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा होता है, और तभी वहां पर एक और ग्रीन लैंटर्न आ जाता है। तो वहां पर हेल कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरी शक्ल मछली जैसी मिलती है, मैं तुम्हारे ग्रह के मछलियों जैसा लगता हूँ, मगर मैं हूँ नहीं, मैं सेक्टर 2813 का एक रक्षक हूँ। तो हेल कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब वहाँ पर वो बताता है कि आज से हजारों साल पहले दो शक्तियाँ थी, एक का नाम था मनोबल की शक्ति और एक का नाम था डर की शक्ति। डर की शक्ति जो कि थी पैरेलेक्स के पास में, उसे हमारे सबसे काबिल योद्धा जिनका नाम था अभिनसुर, उन्होंने उसे कैद कर दिया था, मगर कुछ ही समय पहले वो फिर से आजाद हो गया, और वो अब चाहता है तुम्हारे और हमारे ग्रह को नष्ट कर देना। इसी वजह से हम सभी ने अपने आप को एकजुट किया, हम सभी टोटल 3600 ग्रीन लैंटर्न्स हैं, और अब हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम सभी अब पैरेलेक्स के खिलाफ लड़ेंगे। फिर साइनेस्ट्रो उसके सामने आता है और कहता है कि क्या अभिनसुर ने तुम्हें चुना है, तुम तो एक मानव हो, और आज से पहले अंगूठी ने किसी भी मानव को नहीं चुना था। मैं नहीं जानता कि आखिर इस अंगूठी ने तुम्हें क्या सोचकर चुना है, मगर तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। तब वहां पर किलोवॉग उसे ट्रेन करने लगता है और उसे बताता है कि मनोबल के अंदर वो शक्ति होती है कि जो भी हम सोचें ये हमारे सामने सब कुछ वैसा बना देती है, वो सारी चीजें क्रिएट कर देती है जैसा कि हम सोचते हैं हमारे माइंड में। और साथ ही वो ये भी बताता है कि सूरज के अंदर गुरुत्व आकर्षण की शक्ति होती है, जो जितना ज्यादा बड़ा होगा सूरज उतना तेज उसे अपनी ओर खींचेगा। फिर साइनेस्ट्रो भी वहां पर पहुंच जाता है और हेल से लड़ने लगता है, वो उसे ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, मगर हेल उसके हर वार का सामना नहीं कर पाता। उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, वो सब कुछ उसे ट्रेन करने के लिए कोशिश करता है, मगर तब हेल उसके इस परीक्षा में पास नहीं हो पाता। वहां पर साइनेस्ट्रो कहता है कि तुम तो डरते हो, तुम डरपोक हो, पता नहीं इस अंगूठी ने तुम्हें क्यों चुना, मुझे तो लगता है कि इस अंगूठी ने गड़बड़ कर दी है, इसने एक गलत इंसान को चुन लिया है। इसी बात से हेल का मन भी निराश हो जाता है और वो उनकी टीम को छोड़कर वहां से निकल जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर हेक्टर, जिसके अंदर पैरेलेक्स के शरीर का एक छोटा सा अंश घुस गया होता है, तो वो भी अब बेकाबू होने लगता है, उसके अंदर भी अब काफी सारी सुपर ह्यूमन पावर्स आने लगती है, वो हर बारीक से बारीक बातों को सुनने समझने लगता है, उसके ब्लड सेल्स चेंज होने लगते हैं।
और उसके अंदर आ जाती है डर की शक्ति। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है साइनेस्ट्रो अपनी पूरी टीम के साथ में वार करता हुआ पैरेलेक्स पर, मगर पैरेलेक्स की शक्तियां इतनी ज्यादा होती है कि ग्रीन लैंटर्न्स को वो मार देता है और साथ ही उनकी शक्तियों को भी खींच कर काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। इसी बात से साइनेस्ट्रो अपने आप को कमजोर समझता हुआ वहां से निकल जाता है और सीधा अमर जीवों के पास में पहुंचता है और उनसे बातें करने लगता है। उन्हें कहता है कि आखिर आप सब हमसे क्या चाहते हैं, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास में इतनी सारी शक्तियां हैं कि जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर हमें डर की शक्ति को हराना है तो हमें उसके लिए डर की शक्ति का ही उपयोग करना पड़ेगा। आप प्लीज एक अंगूठी और बनाइए जिसके अंदर डर की शक्ति हो, उसके बाद में मैं उस डर की शक्तियों पर काबू कर उससे लड़ूंगा, उसे हरा दूंगा और उसके बाद के अंदर इस पूरी दुनिया में शांति ला दूंगा। इस बात को समझते हुए सभी अमर जीव उस बुरी शक्ति यानी कि डर की शक्ति के पास में जाते हैं और उससे एक अंगूठी बनाते हैं। वहीं अगले दिन एयरफोर्स की तरफ से एक पार्टी रखी जाती है क्योंकि उनके पास में वो कॉन्ट्रैक्ट आ चुका होता है जो कि रोबोटिक्स जेट का होता है। इसी की खुशी में सभी लोग उस जश्न में शामिल होते हैं और वहां पर हेल और उसके साथ में कैरल भी मौजूद होती है और वहीं पर वहां के उच्च अधिकारी और साथ में हेक्टर भी होता है। तब वहां पर हेक्टर कैरल से बातें करने लगता है क्योंकि वो भी बचपन में कभी उसका फ्रेंड हुआ करता था और वो बताता है कि मैं भी कोई एक आम इंसान नहीं, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसने अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे एलियन पर कार्यवाही की है जो कि इस दुनिया का नहीं। लेकिन तभी वहां पर सेनेटर जो कि वहां का एक उच्च अधिकारी होता है वह पहुंच जाता है और वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता है कि तुम्हें इन बातों को बाहर नहीं लाना है, तुम्हें इन सभी बातों को राज रखना है, आखिर क्यों तुम इन सभी बातों को सभी को बता रहे हो। इस बात से हेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जब वहां से सेनेटर निकलकर अपने हेलीकॉप्टर से जाने लगता है तब हेक्टर अपनी टेलीकाइनेसिस पावर के साथ में उस हेलीकॉप्टर के ऊपर वार कर देता है जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर उस पूरे के पूरे शामियाने पर गिरने लगता है। मगर तभी वहां पर ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल अपने पूरी पावर्स में आ जाता है और वहां पर एक रेस ट्रैक बना देता है जिसकी वजह से गिरने वाला हेलीकॉप्टर अब उन पर नहीं गिरता और जो एक बड़ा हादसा होने वाला होता है वो हादसा भी वहीं पर टल जाता है। लेकिन इस बात से अब दुनिया को ये भी पता चल जाता है कि हमारी दुनिया में एक नया सुपर हीरो है जिसका नाम है ग्रीन लैंटर्न। रात को डर की शक्ति यानी कि पैरेलेक्स के विजन अब आने लगते हैं हेक्टर को और वो हेक्टर को बताते हैं कि ग्रीन लैंटर्न को जान से मार दो क्योंकि वो तुम पर कभी भी हावी हो सकता है, वो तुम्हारी शक्तियों को बिल्कुल खत्म कर सकता है। इसी वजह से हेक्टर अब हेल के यानी कि ग्रीन लैंटर्न के खिलाफ हो जाता है और अगले दिन वो कैरल को पकड़कर अपनी कैद में रख देता है। कैरल को बचाने के लिए वहां पर हेल पहुंचता है, तभी वहां पर हेक्टर कहता है कि तुम हमेशा से मुझसे तेज थे, मुझसे होनार, मुझसे होशियार थे, इसी वजह से कैरल हमेशा तुम्हें चाहती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पलड़ा भारी है, अगर मैं चाहूं तो कैरल को अभी जान से मार सकता हूं। लेकिन तब हेल कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो हेक्टर कहता है कि या तो मुझे अपनी शक्तियां दे दो और या फिर मैं अपनी तरह ही कैरल को बना दूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तब वहां पर हेल कहता है कि नहीं तुम उसे अपनी तरह मत बनाओ, तुम अगर मेरी शक्तियां लेना चाहते हो तो ले लो, मगर उसकी जान बख्श दो। और वो अपनी अंगूठी निकाल कर हेक्टर को दे देता है और जैसे ही हेक्टर उस अंगूठी को पहनता है वो अपने आप को काफी शक्तिशाली मानता है और तब वो कहता है कि मैंने तो तुमसे झूठ कहा था, मैं तो अब भी तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी उसकी शक्ति उसी पर पलटवार हो जाती है और तब हेल कहता है कि मैंने भी तो तुमसे एक झूठ कहा था, ये अंगूठी हमेशा उसे चुनती है जिसे वो खुद चुनना चाहती है, किसी के छीनने या ले लेने से ये उसी पर उलटवार कर देती है। उन दोनों की एक लड़ाई चली रही होती है मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है पैरेलेक्स अपनी पूरी ताकत के साथ में और वो इस दुनिया के लोगों को डर दिखाकर उन सभी की शक्तियां खींचने लगता है और काफी ज्यादा ताकतवर होने लग जाता है और सीधा अब पहुंचता है हेक्टर के पास में और उसे कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो भी ठीक से नहीं किया, इसी वजह से वो अब उसकी भी शक्तियां अपने अंदर ले लेता है। ग्रीन लैंटर्न उसका सामना करने की काफी कोशिश करता है, उसे हराने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर पैरेलेक्स की शक्तियां इतनी ज्यादा होती है कि वो ग्रीन लैंटर्न पर भारी पड़ने लगती है, वो उसका हर मूव बेकार कर देती है। मगर तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर सूरज की चमक है और तब वो कहता है अच्छाई का मैं रक्षक हूँ, बुराई का मैं भक्षक हूँ, ये ज्वाला मिट नहीं सकती, मुझ में है ग्रीन लैंटर्न की शक्ति। और तभी वो उसे मारता हुआ सीधा अपनी इस दुनिया से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और अगेन उससे फाइट करने लगता है और तभी उसे एक बात याद आती है जो कि किलोवॉग ने कही थी कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सूरज में होती है
और जो जितना ज्यादा बड़ा होता है सूरज उसे उतनी ही जल्दी अपनी ओर खींचता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे वो बात भी याद आती है जब उसने उन दोनों रोबोटिक जेट को अपने पीछे भगाया था, और इसी बात से अब वो पैरालेक्स को भी अपने पीछे भगाता हुआ सीधा सूरज की गर्मी के करीब ले आता है। और जब वो उसे करीब लाता है तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचने लगता है, मगर तभी ग्रीन लैंटर्न भी उस सूरज की शक्ति की ओर खींचने लगता है। तो वो दो फाइटर जेट बनाता है अपनी क्रिएशन के साथ में और उससे बचने की कोशिश करता है, मगर तब भी पैरालेक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसे अपनी ओर खींचने लगता है। और तब फाइनली वहां पर ग्रीन लैंटर्न अपने मनोबल का यूज करता है, अपने विल की पावर को जगाता है और उन दोनों फाइटर जेट्स को वहां से गायब कर देता है और एक मुक्का खींच कर मारता है, जिसकी वजह से पैरालेक्स अब उस सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल में आकर खत्म हो जाता है और वो भी उनकी ओर खींचने लगता है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं ग्रीन लैंटर्न्स और वो बचा लेते हैं हेल को और कहते हैं कि अभिनसुर का चुनाव बेकार नहीं गया, उसने जिस इंसान को चुना वो एक बहुत ही अच्छा और मनोबल वाला इंसान है। उसके इस शानदार कारनामे को देखकर ओवा ग्रह पूरी तरीके से ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल के आगे झुक जाता है, उसे सलामी देता है और कहता है कि आज के बाद हम सभी रक्षक आपके साथ में, इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अब हम तैयार हैं। वहां से हेल अपने प्यार यानी कि कैरल के पास पहुंचता है और उससे अपनी शादी की बात करता है। वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे को सामने पाकर और इसी के साथ में एक हैप्पी एंडिंग होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन लैंटर्न्स की पावर के अंदर जो डर की शक्ति की अंगूठी कैद थी अब वो वहाँ से निकल जाती है और उसे वहाँ से निकालता है साइनेस्ट्रो और अपनी ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी को निकाल कर पहन लेता है फेयर यानी कि येलो लैंटर्न की अंगूठी और बन जाता है येलो लैंटर्न। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में मैं ओडेक्स सीरीज़ का फोर्थ पार्ट यानी कि गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूँ। हालांकि वैसे तो मेरी लिस्ट में कोई और मूवी थी, मगर एक हफ्ते से आपके कमेंट्स को देखते हुए मैंने अपनी लिस्ट को चेंज करने का सोचा और फाइनली गॉडज़िला को फोर्थ नंबर पर पोजीशन कर दिया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उसे अपने फ्रेंड्स फैमिली और साथ रिलेटिव्स में शेयर भी कीजिएगा, और जो नए लोग मेरे इस चैनल पर आए हैं उनसे प्लीज़ गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।